नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं राहुल शर्मा। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे सरकार के फरमान की, चुनाव आयोग के फरमान की, बताएंगे किस चीज के बगैर प्रत्याशी इस बार नहीं लड़ पाएंगे बिहार में पंचायत चुनाव। साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकुड़ में स्वच्छ भारत योजना का क्या है हाल। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के एक आदेश ने चुनाव लड़ने वालों की मंशा पर पानी फेर दिया है। आयोग का सख्त निर्देश है कि जिसके घर में शौचालय होगा वही चुनाव लड़ सकेगा। आयोग के इस आदेश के बाद कुछ लोगों ने शौचालय बनवा लिया है तो कुछ लोग इसे बनाने के बहाने खोज रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और शौचालय ने कई भावी उम्मीदवारों की मंशा पर पानी फेर दिया है। निर्देश सख्त हैं, शौचालय नहीं तो चुनाव लड़ने का हक नहीं, लेकिन नेतागिरी के खाप पर निर्देश भारी पड़ रहा है। हम लोगों को चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, हम लोगों को शौचालय नहीं है घर में और हम लोगों का दिक्कत से ही नहीं बना, लेकिन फिर भी हम लोग मानेंगे नहीं, लड़ना चाहते हैं। ऐसा तो कोई सर्कुलर विधायक एमपी में कहीं नहीं लागू होता है कि चुनाव नहीं, बाथरूम उनका घर में नहीं है तो नहीं लड़ेगा। यह छोटा पद है इसलिए उसमें जो मर्जी हो लगा दिया जाता है, अपने को लोग नहीं देखता है जी हम लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं। बावजूद इसके कई नेता ऐसे भी हैं जिन्हें फैसला सही लग रहा है और उन्होंने चुनाव से पहले शौचालय बनवा भी लिए हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए या गरीब जनप्रतिनिधि के लिए बहुत कठिनाई की बात है। हमारे मैं अगला बार जिला परिषद लड़ा था, मैं जिला परिषद था, मेरे घर में ही शौचालय नहीं था, लेकिन सब सरकार का जब मैं पेपर में देखा तो मैं सबसे पहले अपने घर शौचालय बनवाया कि चुनाव लड़ना है। पंचायती राज मंत्री भी मानते हैं कि फैसला सही है और इस बहाने ग्रामीण इलाकों में शौचालय भी बन जाएंगे, लेकिन सख्ती भी है कि शौचालय निर्माण के पैसे डकारने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तरफ से भी गांव में सभी जगह शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, तो जो प्रतिनिधि होंगे उसके यहाँ तो अनिवार्य है शौचालय वो बनवा लें। निश्चित पूर्वक इसका जांच कराकर जो दोषी पदाधिकारी या पैसा उठाने वाले व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई होगी। चुनाव से जोड़कर ही सही शौचालय स्वच्छता का प्रमाण है। नेता बनने की चाहत रखने वालों को सबक सीख लेना चाहिए, शौचालय बनाएं, बहाने न बनाएं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो एक बात तो तय है कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के एक आदेश ने चुनाव लड़ने वालों की मंशा पर पानी फेर दिया है। बिहार के कमोवेश तमाम जिलों में कई घर ऐसे हैं जहां पर एक अदद शौचालय तक नहीं है। ऐसे में बगैर शौचालय के चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि ऐसे लोगों को नहीं लड़ने दिया जाएगा चुनाव जिनके पास शौचालय नहीं है उनके घर में। आयोग के इस आदेश के बाद कुछ लोगों ने शौचालय बनवा लिया है तो कुछ लोग इसके लिए बहाने खोज रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री इस आदेश को बिल्कुल सही बता रहे हैं और लोगों की नाराजगी के बाद भी वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की बात कह रहे हैं। दोनों पक्ष हैं, एक तरफ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ पक्ष रख रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए या गरीब जनप्रतिनिधि के लिए बहुत कठिनाई की बात है। हमारे मैं अगला बार जिला परिषद लड़ा था, मैं जिला परिषद था, मेरे घर में ही शौचालय नहीं था, लेकिन सब सरकार का जब मैं पेपर में देखा तो मैं सबसे पहले अपने घर शौचालय बनवाया कि चुनाव लड़ना है। स्वच्छ भारत मिशन के तरफ से भी गांव में सभी जगह शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, तो जो प्रतिनिधि होंगे उसके यहाँ तो अनिवार्य है शौचालय वो बनवा लें। निश्चित पूर्वक इसका जांच कराकर जो दोषी पदाधिकारी या पैसा उठाने वाले व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई होगी। तो बिहार में होने हैं पंचायत चुनाव, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और साफ तौर पर चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि बगैर शौचालय के इच्छुक उम्मीदवार न लड़े पंचायत चुनाव। जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। आनंद, आपने पटना जिला के कई गांवों का भी दौरा किया होगा और साथ ही देखा होगा कि पंचायत चुनाव से पहले की तस्वीर क्या है, लेकिन जो इस बार चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि पहले शौचालय बनवाएं तब चुनाव लड़ें, इसका क्या कुछ असर दिख रहा है इस वक्त गांव गिराव में?
देखिए असर तो दिखने लगा है राहुल, असर दिखने लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं और उनके लिए पंचायत चुनाव सबसे मुफीद होता है इसके लिए। और ऐसे लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कई लोगों ने ये कहा कि अगर हमें चुनाव लड़ना है तो शौचालय तो बनवाना ही होगा, और सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जल्दी से जल्दी लोग शौचालय बनवा लें। और सरकार की मंशा साफ है कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत वो तमाम घरों के लोगों के, माफ कीजिएगा, तमाम जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं जिनके घर में जल्द जिससे बीमारी की संभावना बनी रहती है बाहर शौच करने में, खासकर गांव को सामना करना पड़ता है, बखूबी समझ सकते हैं। तो वैसे लोगों पर दबाव भी है कि जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने घरों में शौचालय बनाए, और सिर्फ चुनाव लड़ने वालों के लिए नहीं है ये संकेत साफ है, क्योंकि गांव में जो भी पंचायत चुनाव लड़ते हैं उनका संपर्क बहुत लोगों से होता है, तो इस बहाने वो भी लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में शौचालय बने, ये सरकार की कवायद है, चुनाव आयोग की कवायद है। तो कोशिश पूरी है कि किसी तरीके से पंचायत चुनाव के बहाने ही, चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में चुनाव होना है और पंचायत चुनाव से ग्रामीण इलाका खासा जुड़ा महसूस करता है, और सरकार की कोशिश है कि इसी बहाने वैसे गांव में जहां पे शौचालय नहीं बना है लोगों के घरों में जल्द से जल्द शौचालय बन जाए और वो चुनाव भी लड़ लें। ये साफ साफ दिख रही है सरकार की तरफ से कि पहले ज़्यादा लोग चुनाव होकर शौचालय बनाए ही लोगों को भी जागरूक करें, तो सरकार की मंशा साफ है कि जल्द से जल्द लोगों के घर में अपना शौचालय है। और ये सबसे बड़ी बात है, चूंकि आप जानते हैं आनंद की हाइजीन मेंटेन करना न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि गांव में भी बहुत जरूरी है, और जैसा कि खुद आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर होती हैं जहां शौचालय नहीं होते हैं, और आप देखते हैं, हम भी देखते हैं और लगातार लोगों को ये इन खबरों से रूबरू कराते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और अन्य बड़ी घटनाएं भी उनके साथ होती हैं। इस पर भी लगाम लगेगी अगर शौचालय बनवा दिए जाएं तो। इसका कहना साफ तौर पर यही है आनंद, अगर देखें तो चुनाव आयोग का तर्क बिल्कुल सही है और बिहार सरकार इसका स्वागत कर रही है। बिल्कुल, जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं कपिलो कामत, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि जल्द से जल्द तमाम घरों में शौचालय बन जाए, लेकिन एक समस्या भी आ रही है राहुल। कल मंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी तो मंत्री ने भी माना कि बिहार में कई से लोग हैं जिन्हें शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलता है, बीच में बिचौलिया पैसा खा लेते हैं, और खासकर गांव में बहुत गरीबी है तो जो शौचालय अपने से वो बना नहीं सकते, सक्षम नहीं है इतना, क्योंकि एक शौचालय बनाने में कम से कम 10 से 12,000 रुपए का खर्च पड़ता है। तो सरकार ने उन्हें जो मदद मुहैया कराई उनके तक पैसा पहुंचाने की कवायद कर रही है सरकार, बीच में जो बिचौलिए हैं वो पैसा गायब कर ले रहे हैं। तो एक समस्या ये भी है, लेकिन कल मंत्री ने ये साफ साफ कहा जी पुरोहित से बातचीत में कि वैसे लोग को चिन्हित किया जा रहा है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर जो लोग ऐसे शौचालय बनाने के नाम पे बीच में पैसा निकाल ले रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि ईमानदार तरीके से शौचालय का निर्माण हो, पंचायत चुनाव सही तरीके से हो जाए और इस बहाने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में शौचालय बन जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है, और बिचौलियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। उसके बाद भी आनंद, आप साफ तौर पर जानते हैं कि बिचौलिए किस कदर व्यवस्था में हावी हैं और इसका कितना बुरा असर सरकारी नीतियों पर, सरकारी योजनाओं पर पड़ता है। बिहार सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें बिचौलिए हावी हैं और ग्रामीणों तक उस योजना का लाभ ही पहुंचने नहीं देते। और शौचालय निर्माण की बात में जब आपने ये बात जोड़ी है कि तकरीबन 12,000 रुपए की लागत एक शौचालय में आती है, तो आप सोच सकते हैं इसी से कितना खेल हो रहा होगा इस वक्त, बिचौलिए जो है किस तरह से मलाई काट रहे होंगे। निश्चित तौर पर राहुल, और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपने सही कहा, कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें बिचौलिया पैसे खा जा रहे हैं, और सरकार की कोशिश है कि अब बैंक अकाउंट बहुत सारे लोगों के खुल चुके हैं और डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाए तो शायद बिचौलियों का जो खेल है वो कम हो जाए, लेकिन अभी भी गाँव में कई ऐसे लोग हैं जिनका बैंक खाता नहीं खुला है और सरकार की तरफ से जो भी नई योजनाएं आती हैं जिसका पैसा गरीबों को मिलना रहता है वो पैसा ऐसे बंदरबांट हो जाता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं, कुछ अधिकारियों के मिले बगैर से और कुछ डायरेक्ट बिचौलिए बीच में पैसे गायब कर लेते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस तरीके से जो गड़बड़ी है उसको रोका जाए, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर ऐसी गड़बड़ियों की शिकायत आए दिन मिलती रहती है, इंदिरा आवास हो या फिर कई तरीके ऐसी योजनाएं, पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी के बाद कई तरीके ऐसी बातें सामने आती हैं। तो सरकार की कोशिश है, सरकार ने पहल की है और खासकर पंचायत चुनाव में शौचालय के लिए अब सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि एक कैंप लगा के लोगों को पैसा मुहैया कराया जाए ताकि वो शौचालय बना सके। और क्या जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी विभागीय अधिकारियों की तरफ से, इंजीनियर्स की तरफ से, या सरकार का जो विभाग है उसके तरफ से मॉनिटरिंग होगी, दिखा जाएगा कि लाभुक वाकई में शौचालय बनवा रहे हैं या नहीं और उसकी गुणवत्ता कितनी है, क्या वो किसी काम के हैं या नहीं, ताकि कम से कम लाभुकों को फायदा हो और इसके कारण स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है बिहार सरकार केंद्र सरकार का वो भी पूरा हो सके।
बिल्कुल, मंत्री ने हमसे बातचीत में यही कहा था राहुल कि मॉनिटरिंग की जा रही है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शौचालय का पैसा डायरेक्ट उनके हाथ में पहुंचे और शौचालय का निर्माण कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ उसका एक एनओसी भी लिया जाए। तमाम तरह की कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है और सरकार की कोशिश है, खासकर सख्त अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिया गया जिला स्तर पर हो या फिर पटना मुख्यालय से हो कि मॉनिटरिंग की जाए और शौचालय सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, निर्माण हो रहा है। चुनाव के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं अभी तो प्रत्याशी नहीं बने, जब लड़ेंगे जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तब की तस्वीर अलग होगी। उनमें से कुछ लोगों का तर्क था, आपने जो रिपोर्ट भेजी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब ये बाध्यता लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होती, जब ये बाध्यता विधानसभा चुनाव में लागू नहीं होती तो आखिरकार इसको क्यों लागू किया जा रहा है पंचायत चुनाव में। देखिए राहुल, एक तो वजह साफ है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि उनके घरों में शौचालय की शायद ही कभी समस्या हो। इस बार पंचायत चुनाव जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित महादलित तो तमाम गरीब लोग, वो भी इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, उनके घर में शौचालय की समस्या बनी रहती है। तो इसी वजह से उन्होंने जो अपनी खुन्नस निकाली, अपनी नाराजगी जताई है, वजह साफ है, उनका ये कहना है कि हम अगर गरीब हैं, पहली बार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं राजनीति में, तो हमारे साथ ऐसा बंधन क्यों, हमारे साथ ऐसा कंडीशन क्यों। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इस बहाने अगर शौचालय बन जाता है वो पंचायत चुनाव में शिरकत भी करेंगे और उसे घर के लोगों को ही फायदा होगा। आप साफ समझिए राहुल, अगर घरों में शौचालय बन जाता है, निर्माण हो जाता है, घर की जो महिलाएं हैं या फिर घर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जो सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता है वो नहीं होगा, कई सारी घटनाएँ रुक जाएंगी।